तेरा बन जाए। गुरु माँ कोनो फायदा ना, ना फोन नहीं उठाएगा और आप कह रही हैं कि ओके फोन हम जन फोन लगाओ। ठीक है बाप, जैसा आदेश, उठाएगा नहीं। अबे कौन है इल्यो, मच गई कलबली। हाँ भाऊजी प्रणाम। अरे आज हमरी याद कैसे आ गई? नहीं नहीं हमको कहे याद आएगी, इसलिए तो हमरा फोन बजाए पड़ो सुबह सुबह। आज क्या बात है? चुप हो जाओ बेटा, तुम चुप हो जाओ, लंतरानी न सुनाओ, समझे के अनीस से बात किया करो तुमसे। समझो के नहीं, हम तुमको तुम्हारे जैसे न जाने कितने लौंडा पैदा करके छोड़ दिए हैं, समझे? हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बाप न बनो। ये गुरु माँ बैठी हैं, नहीं तो बेटा भाई हम तुमको बताते हैं। अब जो हम कह रहे हैं वो चुपचाप सुनो। गाड़ी भिजवा रहे हैं और बिना कोनो तिया पाचा लपा झपड़ किए तुम अपनी वो रानी विक्टोरिया जी को ला दो और चुपचाप यहाँ चले आओ, हम यही चाहते हैं, समझो? और ना नुकुर ना करना बेटा, काहे कि गुरु माँ का भी यही आदेश है, समझो कि नहीं? अरे आप चाहते हैं, गुरु माँ चाहती हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि प्रतिज्ञा चाहती है कि नहीं चाहती। ए बेटा, उसके चाहने न चाहने से कोनो फर्क नहीं पड़ता, समझो? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता, लड़े तो आप दोनों ही थे ना सिंह लड़ाई के, हम तो बीच में आए नहीं थे। और घर से हमको थोड़ी निकाला था, उनको निकाला था, वो ही तय करेगी कि वापस आना चाहती है नहीं चाहती। अरे 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 वो राजा बेटा, ए भैया एक काम करो, तुम अपनी मेहरिया को कह दो कि वो अपने अचरा में तुमको चवन्नी अठन्नी की तरह गठियाए ले। अब तुम बेटा लटके लटके घूमो, ससुर मेहरिया के गुलाम हो गए हो। सुन बे, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, गुरु वाली बात है कि मेहरिया को इतना खोपड़ी पे न चढ़ाओ ना बेटा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी है? तो ब्रेक फेल हो जाएगा, फिर ऐसे टापते रहना कहाँ गए, समझा? चल चल फोन दे अपनी महारानी जी, फोन दे। अरे बहुत गलत टाइम फोन किया बाऊजी, वो गई है अपने मायके, जब आएगी बात कराए देंगे। जैसे हम उससे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, उसके चक्कर में ना तुम्हारा ना लट्टू हो गए, लट्टू की तरह नचा रही तुमको। तुम नाचो बेटा, आराम से नाचो, घूम घूम के मटक मटक के नाचो, हाँ? और हो सके ना बेटा तो एक जोड़ा घुंघरू मंगवा के पहन के तब छम छम नाचो। अबे जब वो मायके गई है तो तू हुआ बैठ के का घुनिया निकोल रहे हो ससुरे, हैं? अबे तोर औरत है कि सांड छुट्टा घूम रही है? अबे नथ नथ लगा दे, नथिया दे, मेहरारू के चक्कर में साला बौराया हुआ है। नहीं अब क्या चाहते हो, मतलब घर से बाहर भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हैं? हुकुम चलाए ले अपना। मतलब मेहरारू के चक्कर में तो माँ बाप का कोनो अहमियत ना तोरी नजर में सारे, हैं? हाँ मतलब माँ बाप बच्चों को भूल जाए तब कोनो बात नहीं, बच्चे भूल जाए तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। क्यों है? आप करो तो ठीक, हम करें तो मिर्ची लगती है। फिर बात करते हैं। देखिए ना गुरु माँ, बुता देस बेहुदा, ये औलाद है गुरु माँ, मुंह फेर लेने को मन करता है। एक किसनवा ना, वो प्रतिज्ञा के चक्कर में मदारी का बंदर हो गया है, जिसे रोज सवेरे मदारी तू ही डंडा बंदर मारेगा। चल बेटा ससुरारी और मदारी पीछे पीछे, मतलब ये गुरुमा की मेहरारू की बैठी है आराम से मायके में, आई ससुर पता नहीं कहाँ बैठ के ओकरे नाम का भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं मायके से आएगी तब बात कराएंगे। अरे जैसे हम मरे जा रहे हैं, क्या बताए गुरु माँ, औलाद अपनी जरूर है लेकिन बहुत कुड़ीच है, बहुत कुड़ीच है ससुरी।
खूब मुंह फट ली प्रतिकवा, अरे आग लगे उसको। देखे कैसे ठाट से अपने बाप के घर में जाके ऐस कर रही है, खूब ठाट से खा पी रही होगी और बिस्तर पे टटा रही होगी। और हमारा बाबा उसके चक्कर में पता नहीं कौन सा नरक भोग रहा होगा। वो हमरे पल्ले पड़ी ना तो तू बूंद पानी के लिए नहीं तरसाए ना उसको, तो हम भी कृष्णा की अम्मा नहीं। देख लिए ना पढ़ी लिखी पुतोह लाने का नतीजा, सारी पढ़ाई बस बाबा को बिगाड़ने में और घर वालों को आपस में लड़वाने में लगाई है। इसीलिए कह रहे हैं कैसे भी समझा बुझा के बाबा को एक बार घर ले आइए बस, कहे कि बाबा जितना दिन उडैनिया के साथ रहेगा ना हमेशा परेशान रहेगा बस। उडैनिया घर में आने के लिए सोची ना तो उसका टांग काट देंगे। वो बाबा से जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा है उसके लिए। अरे अम्मा उनको एक को बार यहाँ आने तो दो। अरे फेंट फेंट के ना मारा ना तो कई नाम से। और बाबूजी तुम्हारा भी सुन लो कि ये जो हम सब लोगों की जिंदगी नरक बन गई है ना, इस सब का कारण है प्रतिज्ञा। अरे उके चक्कर में ना आदर्श हमको यहाँ लेने नहीं आया। और वैसे भी उस साला कम दोगला नहीं है। ये सब ना भाई बहन की मिली भगत है बताए रहे। अरे हंसते होंगे हम पे वहां बैठ के, मजाक उड़ाते होंगे हमरा। और तुम क्या सोचते हो? तुम सोच रहे हो कि कैसे प्रतिज्ञावा को ई घर में लाया जाए, लेकिन हम वो भी बता रहे हैं अगर प्रतिज्ञा ई घर में आई तो उसको मार मार के ना उसका कपाड़ फोड़ देंगे। हम ये कह रहे हैं अरे बाबा नौटंकी कर रहा है लेकिन आपको क्या हो गया है, इतना बवाल हो जाने के बाद भी आप ही चाहते हैं कि वो ई घर में आए। एक चुप हजार चुप। गुरु माँ बैठी तुम्हारा भक्तरा उतार लेंगे, इतना जो तुम प्रचार करेंगे ना कि बेली स्वरूप रानी लोकरगंज कौनो अस्पताल में तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा बेहुदी। जब बोलेगी, जब जहर बोलेगी, न जाने कहाँ का इतना जहर के अंदर भरा हुआ है बेहुदी, तक्षक नाग बन गई है ससुरी, डस ले तो पानी न मांगे हाँ। बेहुदी कुकुर हो गई है। ए चुपचाप अपने कमरा में जाओ, नहीं इनके साथ साथ कहता हूं तुम्हारू ना लपेटे में आ जा। चल यहां से चल निकल। कठोर देती है गुरु मां के सामने। देख रही है ना गुरु माँ, बाहर वाले तो राजनीति करे रहे हैं, अभी घरों में शुरू हो गए राजनीति। ससुरी लहंगा पलटा झोटा पार्टी, हमरे रहते ही घर में पेटीकोट गवर्नमेंट चलावे की सोच रहे हैं। जरा खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है तो चुपचाप चली जाने, उठाएंगे जूता मर्त मर्त तुम्हारा फुरकुस निकाल तारी आते। क्या करें गुरु मां, अरे अब इलेक्शन देखें चुनाव देखें कि
जौन मेहरून की यहाँ पंचायत परपंच हो रही होकर फैसला करे का करे कुछ समझिन में नहीं आ रहा है। सज्जन यहाँ बैठो। अब चाहे जो हो समाधान तुम्ही को करना है। प्रतिज्ञा की जाति के लोग टिकट के चक्कर में हैं और वो लोग टिकट का आधार प्रतिज्ञा के साथ हुई बदसुलूकी को बनाएंगे। लेकिन गुरु माँ कैसी बदसुलूकी? कोई हमको ये बताए कि एक इज्जतदार घर की बहुरिया अगर गलती करेगी तो का हम डांटने फटकारने से भी गए? अरे प्यार मोहब्बत का ब्याह करवाए हैं, कौनो हम जिंदा जला देने का फरमान नहीं जारी किए हैं, न पंचायत की तरफ से फांसी का हुक्म दिलवाए हैं गुरु माँ। अरे तबो ये लोग ये चाहते हैं कि ये गलती करेंगे और हम नाचेंगे, कहाँ भल मनसाहत है। जन लड़की अपनी जाति की होती ना तो और बात थी, प्रतिज्ञा दूसरी जाति की लड़की है और उसकी जाति के लोग चिंगारी देखते ही फूंक मार कर उसे आग बना देंगे, समझे? गुरु माँ उनके हर हथियार का हथरा कर देंगे हम। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका हाथ हमारे सर पर रहे कि एक एक चाल की काट है हमारे पास गुरु माँ। तू डाल डाल तो हम